ये था गाने का फ्लूट कवर। आइए इसका ट्यूटोरियल पार्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नेचुरल स्केल में इसमें ग धानी कोमल लगता है, इसलिए मैंने इसे फ्लैट स्केल पकड़ा है, ए स्केल पकड़ा। उस हिसाब से इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रे गा मा शुद्ध पा धा, समटाइम्स कोमल नहीं लगाना है, समटाइम्स कोमल शुद्ध नहीं भी लगाना है। सा रे। आइए पहले गाने स्टार्ट करते हैं। रे सा मा हाफ नोट मा, रे सा गा 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 मा पा मा गा, रे सा गा 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 मा पा मा गा रे। ये पहले हमिंग में कह दीजिए, रिदम स्टार्ट होता है, सेम चीज फिर रिपीट होता है, देखिएगा। रे सा मा रे सा गा 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 मा पा मा गा गा रे गा 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 मा पा मा गा गा रे गा रे रे सा गा क्षमा करें रे सा मा रे सा गा। उसके बाद अंतरा आता है। अंतरा मैंने देखा है इस गाने में वो चार अंतरे हैं लगभग, और दो अंतरे एक तरह से गाए गए हैं और बाकी दो अंतरे बाद वाले एक तरह से गाए गए हैं। तो पहला देखते हैं, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, उसका नोटेशन थोड़ा अलग है। देखिए देखिएगा प ध धा 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 प पा धा 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 प धा सा नि धा प ध धा 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 प धा सा नि सा नि धा प पा म म पा धा धा। ये दो बार लेंगे। बुझता हुआ चराग हूं अपने मजार का, उसके बाद मा पा 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 मा मा पा, ध्यान देखिए मा पा 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 मा मा पा, पा पा मा पा धा पा मा मा गा रे, उसके बाद रे मा 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 पा मा पा मा गा रे 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 सा नी रे रे सा नी नी गा गा रे। तो अंतरा पहला अंतरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको आप बढ़िया से इस वीडियो को फिर से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा। और ध्यान से आप इसको लिख लेंगे एक बार भी तो बिल्कुल आप कर लेंगे। और अगर आपने 5-6 महीने पहले से बांसुरी स्टार्ट किया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप बहुत जल्दी पिकअप करेंगे। हालांकि गाना बहुत खूबसूरत है, बहुत मेलोडियस है, और नेचुरल स्केल में आने पर आपको 5 से 10 साल लगेंगे इस गाने की बिल्कुल अच्छे से समझ में आने में या बजाने में। लेकिन आप 5-6 महीने से बजा रहे हैं तो फ्लैट स्केल पर बहुत ईजिली आप बजा लेंगे। उसके बाद है अपना पता मिले न खबर यार की मिले, ये सेम ट्यून ऐसे ही जैसा अभी मैंने बताया। उसके बाद है सहरा मिया के भी मुझको ठिकाना ना मिला, इसका ट्यूनिंग अलग है। देखिएगा प ध धा प मा पा मा गा रे प ध धा प मा पा मा गा रे रे गा मा मा रे गा मा पा मा गा रे।
हल्का सा मा पा धा लगा दीजिएगा ताकि नीचे के रे से ऊपर के धा पर जाने में सहूलियत हो। फिर ये दो बार रिपीट करते हैं। प ध ध प मा प मा ग रे, रे ग मा प मा प मा ग रे। उसके बाद पानी नी 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 धा 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 पा, पानी नी 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 धा 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 पा। उसके बाद धा 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 कोमल नी धा धा धा। उसके बाद धा 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 नी धा धा धा। पमगारे सानी पमगारे सानी, ध्यान दीजिएगा ये बहुत बड़ी मीड है। पमगारे सानी पमगारे सानी सागा रे 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 ए दुनिया। फिर शुरू हो जाएगा अस्थाई हमारा जहां पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर वहां से ले गए। फिर दूरे निगाहों से, इसकी भी ट्यूनिंग ऐसा ही है सेम, यानी चार अंतरे हैं। दो का पहले वाला मैंने बता दिया, दो अंतरा एक ट्यूनिंग पर है, दूसरा दो अंतरे दूसरे ट्यूनिंग पर है। आइए इस गाने का आनंद लीजिए, जम के बजाइए और खुशी मनाइए। और आपको कोई दिक्कत हो, सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज दें, और अगर कोई कमेंट्स हो तो आप जरूर बिना आराम से आप दे सकते हैं। कीप वॉचिंग मी अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रोफेसर।